मेटाबोलाइट कर ले एक लोग चमोकन गंदगी का पहला कारण है कि गंदगी से होता है, दूसरा कारण है चमोकन बढ़ने का कि हम चमोकन का इलाज अधूरा करते हैं, पूरा इलाज कभी नहीं करते हैं चमोकन। चमोकन हम तो कहाँ कहाँ दिखता है, गाय के शरीर पर ही से, लेकिन गाय के शरीर पर जितना चमोकन है उसका 10 गुना ज्यादा आपके बथान में चमोकन है, टाटी के नीचे, मड़ाई के नीचे, मैट बिछाए हुए उसके नीचे, सब जगह है वो। आप शरीर पर दवा लगाते हैं, शरीर का चमोकन मर जाता है 10 दिन 15 दिन 1 महीने फिर उधर से आके पूरा शरीर पर फैल गया, क्योंकि एक मादा चमोकन भी अगर आपके बथान में जिंदा है तो एक बार में 2000 से 2500 अंडा देती है। तो चमोकन का अगर पूरा इलाज करना है तो आपको पूरा उसका एक उसको क्या हम बोले प्रोटोकॉल कर सकते हैं, प्रोटोकॉल है जिसके तहत अगर आप काम करते हैं तो चमोकन खत्म हो जाएगा, जिसमें मेजर 2 दवा का आपको प्रयोग करना होगा, एक दवा क्लीनर और दूसरा मेटराज। ये क्लीनर दवा जो है 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml मिला के और लगातार 7-7 दिन पर अपने बथान में स्प्रे कर दीजिए 4 बार लगातार। आज कीजिए 7वां दिन कीजिए, 14वां दिन कीजिए, 21वां दिन बथान में स्प्रे कर दीजिए, बथान के अंदर का चमोकन खत्म हो जाएगा। पहला दिन जब बथान में आप स्प्रे कर रहे हैं उसी दिन विटराज 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के और उसके शरीर को पोछवा दीजिए शाम के समय। इसको लगाकर धूप में पशु को नहीं रखना है, नहीं नहवाना, नहवाना भी नहीं है, नहवाना भी नहीं है। अगर चाटूट भी लेती है तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, कोई दुष्परिणाम ठीक है। और इसको पहला दिन और 14वां दिन और 21वां दिन 3 बार बथान में 4 बार और विश्वास को 3 बार शरीर पर लगा दीजिए। आप देखिए इतना जब कर लेते हैं तो आपके अगर बथान के सटे दूसरा बथान अगर नहीं है तो आपके बथान में जल्दी चमोकन नहीं आए, अगर सटे बथान है तो अपने पड़ोसी किसान को भी इसी तरह से उनको भी कहिए तो उनके भी बथान का चमोकन जब खत्म हो जाएगा तो उधर से इधर नहीं इधर से उधर जाए। तो चमोकन का जड़ खत्म करने का तरीका यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज बहुत सी कंपनी साबुन लगवा रही है और साबुन लगवा के छोड़वा देती है, फेन पूरे शरीर में लग के सूख गया। अब फेन जब सूख जाएगा तो क्या गाय नॉर्मल रहेगी, चलाएगा कि नहीं चलाएगा शरीर? हम लोग के शरीर में फेन सूख जाता है तो देखते हैं चर्चर्च करता है, तो उसी तरह तो गाय का भी शरीर कर रहा होगा, अब वो बोल नहीं पा रही है, नहीं धोते हम देख रहे हैं। दूसरा डॉक्टर बताए दिल्क फैन लगा के सुखराज लगा के नहलाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, कारण है दवाई का, दवाई का प्रभाव गाय पर नहीं पड़ेगा। दवाई का प्रभाव के साथ साथ कहने की ये दवाई इस तरह का बना हुआ है कि जब हम शरीर में लगा दिए तो लगाने के 48 घंटा के बाद शरीर पर रहेगा ही नहीं, और 48 घंटा में ही अपना पूरा काम समाप्त कर लेगा। ये धीरे धीरे करके वातावरण में उड़ जाता है 48 घंटा में जितना। अच्छा, जिस चमोकन के शरीर में सटेगा उस चमोकन को ये छोड़ेगा नहीं,